सनसनी मचा दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग खान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में, जिसने की इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने 10 दिन पूरे कर लिए हैं। और आज इस फिल्म का 11वां दिन, और 11वें दिन के साथ साथ आज ये फिल्म का दूसरा संडे, और आज के दिन ये फिल्म काफी जबरदस्त तैयारी के साथ ओपन हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के लिए इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 13 करोड़ से भी ज्यादा की है, और आज मॉर्निंग से ये फिल्म लगभग 40% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है, और आज आफ्टरनून में फिल्म के 90% से ज्यादा शोज हाउसफुल होने वाले हैं, और आज के दिन भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। तेलुगु के साथ साथ तमिल और हिंदी भाषा से काफी अच्छी कमाई करने वाली है ये फिल्म। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन ये फिल्म लगभग 15,000 से ज्यादा शोज पर चलने वाली है। अगर बात करें फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो शुरुआती 10 ही दिनों में ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 800 करोड़ की कमाई कर चुकी है, और आज अपने 11वें दिन ये फिल्म एक बार फिर से 45 करोड़ की कमाई दुनिया भर से करने वाली है। इसी के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान का शुरुआती 11 दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 845 करोड़ का हो जाएगा, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म आने वाले 4 से 5 दिनों में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, और अपने लाइफ टाइम में लगभग 1200 से 1300 करोड़ तक की कमाई दुनिया भर से करते हुए ये फिल्म बनने वाली साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म। तो आप सभी को फिल्म जवान कैसी लगी, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेटेड न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज़ को।